नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्री। पेबस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ बसंत पंचमी स्पेशल में आपके लिए माँ सरस्वती की पूजा अर्चना। हम यहाँ देखेंगे कि माँ सरस्वती की पूजा कैसे की जाती है। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमुल्ले सरस्वती कर मध्ये तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। जैसे कि कहा जाता है, हमारे हाथों में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और गणपति बापा का वास होता है। इसीलिए जब भी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी और पापा की पूजा जरूर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कैसे की जाती है। माँ सरस्वती की पूजा शुरू करने से पहले गंगाजल या फिर गोमूत्र से जो जगह है जहाँ पे हम लोग माँ की पूजा करने वाले हैं वो सबसे पहले शुद्ध कर लें। फिर माँ को कुमकुम हल्दी चढ़ाया जाए। फिर इसके बाद माँ को श्रृंगार चढ़ाइए। पंचामृत शुद्ध घी का दिया अगरबत्ती समय। फिर इसके बाद हम लोग माँ को फूल चढ़ाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग पान के पत्ते चढ़ाएंगे। इसके बाद हम लोग माँ को भोग लगाएंगे फलों से। बत्तासा, मिठाई और ड्राई फ्रूट्स। भोग लगाने के बाद माँ को लौंग और इलायची जरूर चढ़ाएं और सुपारी। जैसे कि विद्या माँ सरस्वती होती है, तो आपके घर में बच्चे हैं तो उनके बुक्स, नोटबुक्स, उनकी भी पूजा करें। जो आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं या फिर जो वाद्य बजाते हैं वो अपने वाद्यों की पूजा जरूर करें। माँ सरस्वती को अबीर और अष्टगंध भी चढ़ाएं। दोस्तों, कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो तो बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं ये दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करूंगी।
और आप भी करिए, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे मैं धूप जलाने जा रही हूँ। मैं माँ सरस्वती से जरूर प्रार्थना करूंगी कि वो आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और आप सबको आशीर्वाद दे। अगर आपको दोस्तों हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड हाँ, और भी अगर आपको ऐसे भावपूर्ण भक्तिपूर्ण वीडियो देखने हो जानने हो तो प्लीज़ बेल बटन आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशंस मिले और हम लोग इसी तरह से भाव भक्ति आपके पास लेके आए। थैंक यू।